Hello, my dear students. We will continue with the topic thermodynamics. And in thermodynamics, in the previous class, what we had seen that the nature of work, that is what we had seen. And in the process, what we have discussed that in mechanics, what we say work is force into displacement. Work is force into displacement. This is what we see in mechanics. But in thermodynamics, what we see here in thermodynamics, that work is a pressure volume type of work. It is a pressure volume type of work. Pressure volume type of work. So let us see that these two work are equal or they somewhat different. This we had seen. So if we consider pressure volume, so pressure is what? Force per unit area. Pressure is force per unit area. If d is the distance, ye sab kal humne derive kiya tha beta, hai na? If d is the distance, then pv is equal to force. तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ए इज व्हाट? डी स्क्वायर. एंड वॉल्यूम क्या होगा? डी क्यूब. सो पीवी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन डी स्क्वायर इनटू डी क्यूब. ये कैंसल हो गया तो क्या बच गया यहां पर? पीवी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये क्या है? वर्क है. याने जो थर्मोडायनामिक्स बोल रहा है कि वर्क इज व्हाट? अ प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क. सो W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी. नाउ W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, इसको हमने दो तरीके से एक्सप्लेन किया था, है ना? क्या था वो हमारा एक्सप्लेनेशन? W इज इक्वल टू पी वी, इसमें एक्सप्लेनेशन था. पहला एक्सप्लेनेशन क्या था हमारे पास कि व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग एंड व्हेन सच वर्क हैपेंस, सिस्टम releases energy to the surrounding. यानी सिस्टम क्या है? अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर रही है. एंड दैट एनर्जी गोज टू सिस्टम, releases energy to surrounding. और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्या एग्जाम्पल है? एक्सपेंशन ऑफ गैस. ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ गैस व्हाट हैपन्स? That the system uses its energy and push the piston in upward direction. So that is what, when work is done by the system on the surrounding, system releases energy to surrounding, and that can be explained through the expansion of gas. Aur ye second humne point kya padha tha? When work is done on the system, work is done on the system by the surrounding. अब सिस्टम काम नहीं कर रहा, सराउंडिंग काम कर रही है. और जब सराउंडिंग ने काम किया तो क्या हो जाएगा? एनर्जी इज absorbed by the system.
है ना, सिस्टम हैज गेन्ड द एनर्जी, सिस्टम हैज गेन्ड और एब्सॉर्ब्ड एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। तो अभी सिस्टम ने एनर्जी गेन किया सराउंडिंग से, एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, कॉम्प्रेशन ऑफ गैस, कि जब गैस को हम कॉम्प्रेस करते हैं, जब ये पिस्टन को नीचे लाएंगे कॉम्प्रेस करेंगे, तब क्या होता है कि सराउंडिंग इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस सिस्टम हैज एब्सॉर्ब्ड एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। और उसको एक्सप्लेन करना है के लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है, कॉम्प्रेशन ऑफ गैस। दिस इज व्हाट वी हैड सीन द नेचर ऑफ वर्क, दैट इज प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क, और उसको हमने थोड़ा सा मैथमेटिकली प्रूव कर लिया था। नेचर ऑफ वर्क हो गया, ये हमारे पास में तैयार है। अब आज क्या पढ़ते हैं, अब हम कि नेचर ऑफ हीट, नेचर ऑफ हीट विच इज डिनोटेड बाय क्यू, नेचर ऑफ हीट डिनोटेड बाय क्यू। नाउ हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी बाय विच सिस्टम, एनर्जी बाय विच द सिस्टम exchange energy with the surrounding, heat is the form of energy, है ना, heat it is the form of energy, it is the form of energy by which system exchanges energy with surrounding. Are you getting this? क्या है कि बेसिकली ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। जैसे व्हेन वी आर डूइंग कंबशन, तो क्या है, उससे हीट एनर्जी मिल रही है, उससे एनर्जी रिलीज हो रही, दैट गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। आप हैमरिंग करते हैं, नेल लिया आपने, हैमर किया, तो क्या होता है, दैट मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, वो नेल वार्म हो जाता है, है ना। तो क्या हो रहा है, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। सो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच सिस्टम एक्सचेंजेस एनर्जी विद सराउंडिंग। अब ये एक्सचेंज कब होगा, एक्सचेंजेस एनर्जी विद सराउंडिंग, व्हेन सिस्टम and surrounding have different temperature. If they have different temperature, then there is a exchange of heat energy. Are you getting this? When system and surrounding have temperature difference, then exchange of energy takes place. कितना सिंपल फंडा है, है ना, नो कंफ्यूजन, है ना। पहले हमने नेचर ऑफ वर्क देखा और वो प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क था। प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क को हमने समझा कि जब एक्सपांशन ऑफ गैस होगा तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग एंड इट रिलीजेस इट्स एनर्जी टू परफॉर्म वर्क। और दूसरा क्या था, when work is done on the system by the surrounding, work is done on the system by the surrounding, तो system ने क्या किया, surrounding की energy absorb कर लिया, और उसको best हम कैसे समझाते हैं, compression of gas। तो ये हो गया nature of work। अब nature of heat क्या है, heat is the form of energy, heat is the form of energy by which system exchanges energy with surrounding, और वो कब exchange होगा, जब system और surrounding, ये दोनों system and surrounding both have
टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो सिस्टम सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर लेगी एनर्जी, और जब टेम्परेचर बढ़ गया तो सिस्टम क्या करेगा, सराउंडिंग को एनर्जी दे देगा। तो दिस इज व्हाट नेचर ऑफ वर्क एंड हीट इन द इन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ते हैं हम, कि साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क एंड हीट। साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क एंड हीट, दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो इसको हम मार्किंग कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन फॉर वर्क एंड वर्क W से एंड हीट Q से, है ना, हीट को कैसे डिनोट करेंगे, Q से। तो ये Q हो गया यहां पर। तो साइन कन्वेंशन फॉर वर्क एंड हीट। अब क्या होता है साइन कन्वेंशन, यानी कि पॉजिटिव वर्क कब रहेगा, नेगेटिव वर्क कब होगा, पॉजिटिव Q कब मिलेगा और नेगेटिव Q कब मिलेगा। दिस इज व्हाट द साइन कन्वेंशन। वर्क पॉजिटिव कब होगा, वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, उस वक्त क्या होगा, वर्क पॉजिटिव होगा। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, वर्क विल बी पॉजिटिव बिकॉज सिस्टम इज नॉट यूजिंग इट्स एनर्जी टू परफॉर्म द वर्क, इट इज द सराउंडिंग विच इज यूजिंग इट्स एनर्जी टू गेट द वर्क डन, एंड देयरफॉर एट दिस टाइम वर्क विल बी पॉजिटिव। और फिर से यहां पर याद रखने के लिए हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी एग्जाम्पल क्या होगा, कॉम्प्रेशन ऑफ गैस, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क है तो गैसियस सिस्टम कंसिडर करना पड़ेगा। अब वर्क W कब होगा, सॉरी वर्क नेगेटिव कब होगा, माइनस W कब होगा, व्हेन वी विल गेट वर्क इज डन बाय द सिस्टम On the surrounding. At this time, work will be negative. अब क्या system work कर रहा है? तो system work करेगा against surrounding. तो system को अपनी energy utilize करना पड़ेगा. And when system is utilizing its energy, there is a decrease in energy, there is a loss of energy, and this will be explained work done by the system on the surrounding. Example kya hoga? Expansion of gas. To phir se gaseous system humne consider kiya. Ab plus Q kab hoga? Plus Q kab hoga? When system absorbs energy from surrounding. When system absorbs energy, और हीट एनर्जी लिखते हैं, एब्सॉर्ब्स हीट एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। हीट एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग कब हो जाएगा, एब्सॉर्ब कब करेगा, जब कंप्रेशन ऑफ गैस होगा। और माइनस क्यू कब मिलेगा, व्हेन सिस्टम रिलीजेस heat energy to surrounding. So when it releases heat energy to surrounding, then we have Q as negative value and Q as positive value. So this is what the question sign convention for work and heat. Okay, so plus W kab aayega, जब वर्क इज डन
ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग दैट इज कॉम्प्रेशन ऑफ गैस. माइनस डब्ल्यू कब आएगा, वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग एंड दैट इज कॉम्प्रेशन ऑफ गैस. एंड प्लस क्यू कब आएगा, व्हेन सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग. तो प्लस क्यू गेन ऑफ एनर्जी, माइनस क्यू इज रिलीज ऑफ एनर्जी. सो दिस इज वॉट नेचर ऑफ वर्क एंड क्यू एज वेल एज द साइन कन्वेंशन फॉर वर्क एंड हीट. तो नेचर ऑफ हीट, वर्क एंड हीट देख लिया, साइन कन्वेंशन फॉर वर्क एंड हीट देख लिया. अब हम कुछ नया पढ़ते हैं एंड दैट इज वॉट एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क. एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क. प्रेशर वॉल्यूम वर्क जिसको ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं पीवी टाइप ऑफ वर्क. अब इसके लिए क्या करते हैं हम, लेट अस, ये डायग्राम उसी लिए बनाया. लेट अस कंसीडर अ सिलेंडर इन विच अ फ्रिक्शनलेस रिजिड मूवेबल पिस्टन, है ना. तो ये सिलेंडर है एंड दिस इज व्हाट द पिस्टन इट इज हैविंग. And in this cylinder, a gas is enclosed, which is having its pressure P. Whereas some external pressure through the piston is acting on this system. A is the cross-sectional area. V is the initial volume of gas. V2 is final volume of gas. And D is the distance traveled by the piston. ओके. तो इतनी इंफॉर्मेशन है यहां पर कि एक सिलेंडर लिया जिसमें एक रिजिड मूवेबल पिस्टन है. अ गैस इज एनक्लोज इन दिस सिलेंडर हैविंग पिस्टन विद एक्सटर्नल प्रेशर एक्टिंग ऑन द सिस्टम. वी इज द इनिशियल वॉल्यूम, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड व्हेन एक्सपांशन टेक्स प्लेस. On expansion of gas, the piston moves in upward direction from initial volume V1 to the final volume V2. When it moves from initial volume V1 to final volume V2, the piston traveled a distance D. Now, in expansion of gas, what happens in expansion of gas? The force exerted by the gas, is equal to the product of area A and the pressure with which the gas, the piston and the pressure with which
the piston is moved in upward direction. due to expansion of gas. बेटा क्या चल रहा है हमारा, ये डिस्कशन क्या हो रहा है कि फिर से रिपीट करें, एक सिलेंडर लिया जिसमें मूवेबल पिस्टन है, गैस है, इसका इनिशियल प्रेशर पी है, सिलेंडर का और ये पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है, इसका इनिशियल वॉल्यूम वी वन है. अब जब एक्सपांशन होगा गैस का तब क्या होगा, दिस पिस्टन विल स्टार्ट मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. इट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम वी वन टू द फाइनल वॉल्यूम वी टू. ये मूवमेंट जो पिस्टन का है, ये मूवमेंट व्हाट इज दैट, दैट द प्रेशर विथ विच द पिस्टन इज मूव्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो एरिया क्रॉस सेक्शनल इतनी, ये पिस्टन को ऊपर पुश कर रहा है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना पिस्टन का, ए, और अगेंस्ट कौन सा प्रेशर कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं. अब पिस्टन इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट मींस अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, दैट प्रेशर अगेंस्ट विच दिस पिस्टन इज मूविंग अपवर्ड और द गैस इज परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ एक्सपांशन, ये क्या हो जाएगा कि जो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू ए इंटू, और ऐसा लिखे, फोर्स इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू ए. जो फोर्स से पिस्टन ऊपर जा रहा है तो वो जो फोर्स गैस ने अप्लाई किया है वो क्या रहेगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड द प्रेशर विथ विच द पिस्टन इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू एक्सपांशन ऑफ गैस. अब ये जो पी एक्सटर्नल है, ये तो पी एक्सटर्नल है, इसके अगेंस्ट में काम हो रहा है, है ना, P एक्सटर्नल के अगेंस्ट में वर्क हो रहा है एक्सपांशन का. तो ये प्रेशर का मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा लेकिन साइन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट में काम हो रहा है, जो वर्क हो रहा है उसके अगेंस्ट में काम हो रहा है. तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ये हमको पता है, प्रेशर क्या है, अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, एंड देयरफॉर वी विल पुट द नेगेटिव साइन हियर. तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इनटू ए. बट डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो अब यहां पर हम ये सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं क्या, W is equal to force into displacement, क्या substitution हो जाएगा अब यहां पर, that समझाएं आपको, force is what, pressure into area, but we know that W is equal to force into displacement. अब force into displacement अगर हमने यहां इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया तो W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू ए इंटू डी हो जाएगा. सब्स्टिट्यूट कर देंगे अब हम यहां पर, ये F का जो ये वैल्यू है ये यहां पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया. W is equal to force into displacement. F कितना है? Minus P external into A into D. Correct है? तो force के लिए हमने क्या कर लिया? यहाँ substitution कर दिया. W is equal to minus P external
इंटू ए इंटू डी, बट अब यहां लिखते हैं, बट वी ऑल्सो नो दैट ए इंटू डी इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वॉट चेंज इन वॉल्यूम, और चेंज इन वॉल्यूम का इसे डिनोट करते हैं डेल्टा वी से, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी से डिनोट करते हैं। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम, वेयर डेल्टा वी इज चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम अब क्या दिख रहा है हमको, W is equal to minus P external into delta V, but delta V is equal to V2 minus V1। तो इसे आप substitute कर सकते हैं, but delta V is equal to V2 minus V1, therefore W is equal to क्या लिखेंगे हम, is equal to minus P external into V2 minus V1। तो हमारे पास में दो एक्सप्रेशन आ गए, W is equal to minus P external into V2 minus V1 और W is equal to minus P external into delta V। तो एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क में हम क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क ये कैसा है कि प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, where V1 is initial volume and V2 is final volume। Now, अब इसी को थोड़ा सा और elaborate कर लेते हैं। ये सब समझ गया आपको? अब जब expansion of gas होगा, when expansion of gas takes place, ये point number one लिखते हैं। When expansion of gas takes place, क्या होगा, V2 is always greater than V1। Expansion of gas, V2 is always greater than V1 and work is always negative। ये बहुत important sentence बन रहे हैं यहां पर, work is always negative। जब भी एक्सपांशन ऑफ गैस होगा तब क्या होगा, V2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन V1 एंड वर्क इज ऑलवेज नेगेटिव। तो एक्सपांशन में वर्क नेगेटिव होगा। सेकेंड सेंटेंस क्या बनेगा, व्हेन कंप्रेशन ऑफ गैस टेक्स प्लेस व्हाट हैपेंस हियर, V2 is less than V1, work is always positive, है ना, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो जाएगा, है ना। कंप्रेशन में क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो V1 बड़ा रहेगा और V2 कम हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, V2 is less than V1, then work is always positive। क्योंकि हमने देखा था नेचर ऑफ वर्क में कि जब भी कंप्रेशन होगा तो सिस्टम काम नहीं करता है, सराउंडिंग वर्क करेगा, और सराउंडिंग जब वर्क करेगा तो सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा।
तो v1 इज मोर देन v2 एंड दैट टाइम वर्क इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये बातें हमको वर्क से रिलेटेड याद रखना है। एंड ये फॉर्मूला जो मिला W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, इससे रिलेटेड कुछ सिंपल से न्यूमरिकल्स हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके बेटा, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।